नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, जैसा कि हमने मैप बना रखा है, साउथ अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ये पनामा का हिस्सा है, पनामा स्थल संधि, ठीक है। तो इसके ही ऊपर यानी कि उत्तर में क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो बात आती है, आपने सुना होगा लैटिन अमेरिका, ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका। तो उसको समझते हैं, किन किन देशों को मिला के, किन किन क्षेत्र को मिला के सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है और लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं। आइए देखते हैं, सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका, इसमें क्या होता है, ये जो इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका में जो मैक्सिको है, मैक्सिको से लेकर, मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको से लेकर पनामा सिटी तक जितने भी देश आते हैं, मैक्सिको से लेकर पनामा तक जितने भी देश आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सेंट्रल अमेरिका कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंट्रल अमेरिका। और इसी में जब ऐड हो जाता है, इधर लिख लेते हैं, मैक्सिको और पनामा में जब ऐड हो जाता है कैरेबियन देश, यानी कि इसके, ये जो साउथ अमेरिका है इसके ऊपर वाला ये जो समुद्र है, ये कौन सा समुद्र है, है तो अटलांटिक, लेकिन अटलांटिक में कोई भी अगर महासागर होता है तो वह छोटे छोटे सागरों में बटा होता है। तो इसको हमने इस क्षेत्र वाले समुद्र को हमने क्या कह दिया, ये कैरेबियन आइलैंड, सॉरी कैरेबियन सागर है, ठीक है। इसमें जितने भी देश हैं, इसमें इस समुद्र में छोटे छोटे द्वीपों पर देश बसे हुए हैं, तो इनको मिला के ही हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है। वेस्ट इंडीज यानी इन्हीं देशों को मिला के लगभग 12-14 देश हैं, तो इनको वेस्ट इंडीज कहते हैं, इनको मिला के और साउथ अमेरिका, ठीक, इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं। हमने बताया मैक्सिको और पनामा को मिला के सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, मध्य अमेरिका, ठीक है। और इसी में जब वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका ये पूरा जब मिल जाता है तो क्या कहलाता है, लैटिन अमेरिका, ये पूरा लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका जो का जो क्षेत्र है वह मक्का अनाज, मक्का गेहूं चावल के लिए काफी फेमस है, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका की भौगोलिक स्थिति चार भागों में डिवाइड है, जैसे पूर्वी, पूर्व के उच्च भाग, मध्यवर्ती मैदान जो है, पश्चिमी तटीय भाग और पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा, ये क्या है, हमने बताया था पर्वतों का समूह, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स क्या कहलाता है, कार्डिलेरा कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो देश है आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये कौन सा देश है, ये है चिली, ठीक है। यहां चिली से लेकर और यहां कोलंबिया तक, यह है कोलंबिया देश, ठीक है। यहां तक विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, ठीक है, यहां से यहां तक फैला हुआ है एंडीज पर्वत। तो
जो पश्चिमी कार्डिलेरा है इसको एंडीज पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कार्डिलेरा क्या है, पर्वतों की बिखरी हुई संरचना, ठीक है। तो एंडीज पर्वत जो है विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, यह 7200 किलोमीटर लंबा है, और भारत में जो हिमालय है वो कितना लंबा है, वो 2400 किलोमीटर लगभग। तो बात आती है हिमालय की, हिमालय सबसे विश्व का ऊंचा है, लेकिन सबसे बड़ा और लंबा कौन सा है, एंडीज पर्वत, वो कहाँ पे है, वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका। और बात आती है इसमें ही पश्चिमी कॉर्डिलेरा में, जैसे कि ये देश है, ये है पेरू, ठीक है, पेरू देश में कोटोपैक्सी एक चोटी है जो सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटोपैक्सी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, अभी भी इसमें उद्गार हो रहा है। तो ये कहाँ पे है, पेरू में है, ठीक है। और अब बात आती है ये जो लिखा है ये है चिली, ये लिखा है ओजोस डेल सलाडो, ये भी एक चोटी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, 6893 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ये अर्जेंटीना देश है, ठीक है। और यहीं पर साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ, या ये कह सकते हैं एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ, कितनी इसकी ऊंचाई है, 6961 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है, यह चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। और यहीं पर चिली जो है सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन करता है, तांबे का उत्पादन, ठीक है, चिली सबसे ज्यादा ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। और यहीं पर इसी क्षेत्र में एक डेजर्ट है चुक्की माता, चुक्की माता, ठीक है, यह रेगिस्तान है। और यहीं पर चिली में ही एक डेजर्ट है, उसका नाम है अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ये दोनों रेगिस्तान यहीं पर है, ठीक है। और देखते हैं ये जो आपको आपको दिख रहा होगा, ये लापास, ये बोलिविया की राजधानी है, और लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। और यहीं पर इसके पास में ये जो क्षेत्र है ये बोलिविया के पठार में स्थित है, ठीक है, इस क्षेत्र को बोलिविया का पठार कहते हैं, इसी क्षेत्र में स्थित है ये झील, इसको टिटिकाका झील कहते हैं, कौन सी झील है, टिटिकाका, टिटिकाका झील, ठीक है, ये सबसे बड़ी झील है। और बात करते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो अर्जेंटीना ये देश है इसमें जो घास के मैदान ये दिखाई दे रहे हैं, हमने काले स्केच से बनाए हैं, काले मार्कर से, तो इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं, पंपास, पंपास घास के मैदान कहते हैं। और ब्राजील में जो हमने बना रखे हैं उनको क्या कहते हैं, लानोस, लानोस घास के मैदान, ठीक है, ये पंपास है, यह है लानोस, ठीक है। और इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है ब्राजील, और ये जो देश है वेनेजुएला है,
वेनेजुएला और ब्राजील में एक नदी बहती है, और इनिको नदी। और इनिको नदी या साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, लेकिन साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। वेनेजुएला किस लिए फेमस है? वेनेजुएला ओपेक ओपेक का मेंबर है। ओपेक एक संस्था है जो देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, उनकी एक संस्था है, ओपेक का मेंबर है। वेनेजुएला में अब तक के विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम की खोज की गई है, पेट्रोलियम भंडार की खोज की गई है, विश्व के सबसे बड़े, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे बड़ा तेल का भंडार आज तक कहाँ पाया गया है? वेनेजुएला में। ठीक है, और वेनेजुएला किस लिए फेमस है? वेनेजुएला कोल्टार के लिए फेमस है। ठीक है, और ये देश कौन सा है? यह है गुयाना, यह सूरीनाम, यह है फ्रेंच गुयाना। इस महाद्वीप में ज्यादा देश नहीं है तो याद करना आसान है। सबसे पहले है ये कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। आपको खुद आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो ब्राजील का ही, यहाँ से यहाँ तक। वो ब्राजील किस लिए फेमस है? ब्राजील फेमस है, विश्व का सबसे ज़्यादा जो गन्ना है ब्राजील में ही होता है, और कॉफ़ी कॉफ़ी का उत्पादन कहवा का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में ही होता है आपके। ठीक, ये जो साओ पाउलो दिख रहा है ये ब्राज़ील ब्राज़ील में कॉफ़ी की मंडी है, यहीं से ये सेंटोस पोर्ट है। ठीक है, जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी जो होती है वो बागानों में होती है, तो उनके बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा। काफी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको फजेंडा कहते हैं। इन्हीं बागानों से कॉफी कहाँ लाई जाती है? साओ पाउलो में। ठीक है, यहाँ से व्यापारी खरीद के फिर कहाँ पे ले जाते हैं? ये पोर्टो में आती है, यहाँ पोर्ट में आती है, सेंटोस पोर्ट है, बंदरगाह है यहाँ पे, फिर यहाँ से कॉफी का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, निर्यात। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साउथ अमेरिका से कि साउथ अमेरिका में कितने देश स्थलबद्ध हैं? तो दो देश हैं। ये आपको बोलीविया दिख रहा होगा, लापाज इसकी कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे की कैपिटल है असंसियन, और ये उरुग्वे है। उरुग्वे सबसे खतरनाक देश यहीं पर है। उरुग्वे की राजधानी कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। उरुग्वे, मोंटेवीडियो, पराग्वे, असंसियन। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में दो स्थलबद्ध देश हैं, लापाज और पराग्वे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और जो साओ पाउलो ये सिटी है ये मकर रेखा के पास है। ठीक है, मकर रेखा के पास है। अब अमेजन नदी की बात करते हैं। अमेजन नदी हमने पढ़ा था, ओरिनिको नदी, ओरिनिको की एक सहायक नदी है, क्या कहते हैं इसको? याद नहीं आ रहा, ओरिनिको की सहायक नदी। यहीं पर वेनेजुएला में ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है कैरो नदी। हाँ, कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना यहीं पर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल, एंजल झरना। इसकी हाइट कितनी है?
हाइट है 979 मीटर, ठीक है, ये इतना ऊंचा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और बात करेंगे अमेजन नदी की, अमेजन नदी यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका कंटिनेंट में है, जो कौन सी है? नील नदी। सबसे बड़ी क्यों है? सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि इसका आयतन ज़्यादा है पानी का। यह लगभग कहीं कहीं जब इसमें पानी ज़्यादा आता है तो लगभग 140 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 150 किलोमीटर के आसपास चौड़ी हो जाती है। तो इसका आयतन बहुत है, इसमें पानी बहुत है, इसलिए सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी पर जो है आज तक कोई पुल नहीं बना है, क्योंकि इसमें जब बाढ़ आती है तो इतना पानी ज़्यादा होता है कि पुल रुक रुक ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए इस पर कोई पुल नहीं बनाया गया है। और बात करते हैं, ये जो आपको नीचे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है, और ये है फाकलैंड द्वीप। तो इनके और साउथ अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है? मैगलन। मैगलन जल संधि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और साउथ अमेरिका में जैगुआर, जैगुआर और प्यूमा दो शिकारी जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा जैगुआर कार कंपनी है, इसके मालिक कौन है? टाटा है। ये इंग्लैंड की कंपनी थी लेकिन टाटा ने इसको खरीद लिया था। और प्यूमा भी बड़ी कंपनी इन्हीं के नाम पर है, जगुआर और प्यूमा, इसके मालिक कौन है? जगुआर कार के टाटा। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। और क्या बचा? लगभग इतना ही। हम लोगों ने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कोल्टार का उत्पादन होता है वेनेजुएला में, और सबसे ज़्यादा जो है तेल के भंडार जो है कहाँ पाए गए हैं? वेनेजुएला में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य, यानी कि नाव चलती हैं, वो झील कौन सी है? वो ये है टिटिकाका, हमने लिख रखा है, ठीक है। और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। और एंडीज पर्वत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है? एकांकागुआ, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है अटाकामा जो ये रेगिस्तान है ये कहाँ पर है? ये सबसे शुष्क रेगिस्तान है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये चिली में है। और चिली में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? कॉपर का, कॉपर की खदानें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी झील के पास एक पॉइंट याद आ गया, पोटोसी खान है, पोटोसी। टिटिकाका झील के पास पोटोसी खान है, इसी खान से टिन का उत्पादन होता है, ठीक है, टिन का उत्पादन होता है। और कुछ पॉइंट याद आ रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमने बताया एंडीज पर्वत से नदी निकलती है अमेजन नदी, इसकी लगभग सहायक नदियाँ 200 के आसपास हैं। तो यहीं पर इसी इसी के बेसिन में एक जनजात पाई जाती है अमरेंडियन, पूछ लेता है काफी एग्जाम में अमरेंडियन, अमरेंडियन जनजात इसी नदी के बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा देश हमने बता ही दिया ब्राजील है, ठीक है। और पंपास की घास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। यहीं पर पंपास की घास के मैदान में अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, इसको भी लिख लीजिए।
अल्फा अल्फा नाम की घास पाई जाती है। और ब्राजील में, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा मीट का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे घास के मैदान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पशुपालन होगा, पशुपालन होगा तो फिर मीट का प्रोडक्शन भी हाई होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मीट का प्रोडक्शन कौन करता है? अर्जेंटीना। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।